इंग्लैंड के लिए लगातार 15 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेले स्टुअर्ट ब्रॉड। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग 200 लिमिटेड ओवर फॉर्मेट के मैच भी खेले और वो एक लीजेंडरी बॉलर बनकर रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने 600 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में और 600 का आंकड़ा पार करते ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 5वां एशेज टेस्ट मैच उनके करियर का आखिरी मैच है, इंटरनेशनल मैच, और इससे बड़ा कोई मौका हो भी नहीं सकता किसी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ सबसे बड़ा है दोनों ही टीमों के लिए तो वो है एशेज। और यहाँ पर शुरू के 2 टेस्ट मैचों में पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने कमाल की वापसी की। बेशक ऑस्ट्रेलिया एशेज रिटेन कर गए हैं, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी के 3 टेस्ट मैचों में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल के रखा ऑस्ट्रेलिया को। वहीं ऐसी ही एक अनाउंसमेंट आने जा रही है जेम्स एंडरसन की तरफ से। खबर है कि जेम्स एंडरसन भी रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन वो एशेज से नहीं होंगे। वो इंडिया का जो टूर है, जो वर्ल्ड कप के बाद अगले साल जनवरी फरवरी में इंग्लैंड की टीम इंडिया आएगी, उसमें वो 5 टेस्ट मैच के लिए इंडिया आएंगे और उसके बाद वो भी अलविदा कह देंगे टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि अब उनको उस तरह से विकेट नहीं मिल रहे जैसे मिलते थे। और इंडिया के टूर पे तो वैसे भी फास्ट बॉलर का ऐसा कोई काम होता नहीं, तो वो 5 टेस्ट मैच वो खेल लेंगे और इंग्लैंड टीम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी उनको 5 टेस्ट मैच खिलाने में, भले ही वो उनमें विकेट ना ले, क्योंकि यहाँ पर तो सारा काम स्पिनर्स का ही होगा। और उसके बाद जेम्स एंडरसन भी अलविदा कह देंगे टेस्ट क्रिकेट को, या यूँ कह लीजिए अपने इंटरनेशनल करियर को। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की जोड़ी लगातार 15 साल तक एक साथ खेली और एक ने 600 तो वहीं एक ने 700 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।